एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। हम इस सेशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ही अहम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टॉपिक थोड़ा लंबा चलने वाला है इसलिए क्लियर। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, अगले सेशन के अंदर हमने जो भी इंफॉर्मेशन ली थी, अगर एच स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहला सेशन नहीं देखा है, तो पहले उसको देखिए, वो इन्फॉर्मेशन को जानिए, उसके बाद आप इस सेशन को देखिएगा, ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को फटाफट से नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्लियर, ध्यान रखिएगा खास। चालू करते हैं चैप्टर को। आज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड सेशन के अंदर हमें आज एक्सरसाइज नंबर 4.2 पढ़ना है। 4.2 के अंदर क्या है सबसे पहले समझ लीजिए। हमने 4.1 के अंदर वो तो जान लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके का होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है, कौन सी कंडीशन पे हम कोई पर्टिकुलर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्लियर ना। अब एक और बात, हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको बताई थी पहले सेशन में कि हम तीन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं इक्वेशन को। उसमें से पहली मेथड हमें यहाँ पे पढ़नी है, वो है फैक्टर मेथड, क्लियर। नाइन्थ के अंदर आपको मैथ टीचर ने बताया होगा कि आप फैक्टराइजेशन सीख जाओ अच्छी तरीके से, टेंथ के अंदर बहुत ज्यादा वो काम में आएगा, क्लियर ना। और वो अभी काम में आएगा ही, देखने का। जिन्होंने नाइन्थ के अंदर फैक्टराइजेशन प्रॉपर किया है उनको यहाँ पे जरा से भी दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। फटाफट से चालू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। बाय द फैक्टराइजेशन आपको सॉल्व आउट करना है, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बताया गया है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, क्लियर। चलो, जिन लोगों ने सीखा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं सीखा है वो लोग ध्यान दीजिए कैसे करना होता है। फैक्टराइजेशन बहुत इजी है, आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो 2 पावर वाला हमारा वेरिएबल है, उस वेरिएबल के आगे क्या है पहले तो वो देख लो। कुछ नहीं है तो कौन होता है 1, कुछ नहीं है तो कौन होता है 1, उसको और हमारा जो आखिरी टर्म है उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो विदाउट साइन, ध्यान रखना। पहला और आखिरी टर्म को क्या कर दो, पहला स्टेप हमारा ये स्टेप 1, क्या इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। चलो मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 10, 10 वन जा 10, क्लियर। पहले सब में समझा रहा हूं थोड़ा, 1 into 10 आ गया। अब इस 10 के फैक्टर निकाल लो, इस 10 के क्या कर दो फैक्टर निकाल लो, 2, 5 and 1, क्लियर। चलिए अब हमें ये दो फैक्टर निकले, यहां पे तो दो ही निकले, कोई बड़ा नंबर होगा तो ज्यादा फैक्टर निकलेंगे। अब हमें ऐसे दो नंबर की पेयर बनानी होती है। एक्चुअल में यहां पे पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे तो खुद ही इंडिविजुअल नंबर आ गए, क्लियर। कि भाई मल्टीप्लीकेशन जो है, मल्टीप्लीकेशन वो जो यहाँ पे हमें फैक्टर मिले ना, उस फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन ये नंबर आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, माइनस माइनस की साइन मत देखो, नंबर ये आना चाहिए, क्लियर। और यहाँ पे जो साइन है, ये साइन देखो कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, वो साइन माइनस की जो साइन है वो साइन, और अगर प्लस होती तो प्लस की साइन, वो साइन को ध्यान रखेगा खास। अगर यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आना चाहिए आगे का नंबर, वो भी विदाउट साइन देखना है, क्लियर। क्या मल्टीप्लाई आना चाहिए क्या आखिरी टर्म, और यहाँ पे जो साइन है अगर सब्ट्रैक्शन की साइन है, माइनस की साइन है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 आना चाहिए। अगर प्लस की साइन होती तो दोनों का प्लस 3 आना चाहिए था, बराबर। माइनस की साइन है तो हमने माइनस की साइन से उसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, कि भाई फैक्टराइजेशन के अंदर हमारे पास दो फैक्टर निकले 5 and 2, तो 5 2 10 हो गया, 5 2 क्या हो गया 10 हो गया, और यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई 10 आ गया, और 5 minus 2 वो क्या आ गया 3 आ गया, हो गया फैक्टर। इसको कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो मैंने आपको पहले सेशन में बताया था, हमारी पहली मेथड है वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इसको हमने क्या किया, सिर्फ स्प्लिट किया है, रेडी। फिर से एक बार स्टेप बता रहा हूं क्या करना है। ये जो हमारा एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट है, सॉरी एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट है, वो कोएफिशिएंट और आखिरी टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म ए और सी, क्लियर। स्टैंडर्ड में से स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्मूला है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ए और सी को मल्टीप्लाई करना है और उसको फैक्टराइज करना है, उसको फैक्टराइज करना है। अभी आपको इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, लेकिन जो पढ़े हुए उनको फटाफट आ जाएगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उन लोगों को थोड़ी देर लगेगी, थोड़ी स्पीड आने में, क्लियर। जितनी प्रैक्टिस करोगे ज्यादा उतनी आपको स्पीड फटाफट से आ जाएगी। तो 5 2 10 यानी कि आखिरी टर्म मल्टीप्लाई जो है वो आखिरी टर्म है, वो इन दोनों का मल्टीप्लाई आखिरी टर्म आना चाहिए, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन
अगर यहाँ पे साइन सबट्रैक्शन की है तो सबट्रैक्शन, टोटल यानी कि एडिशन की साइन, तो टोटल क्या आना चाहिए उसका आगे का नंबर। बराबर स्टेप समझ में आ गया क्या करना है? ध्यान रखना खास, दूसरी बार नहीं बताऊंगा आपको, ये चीज याद रखनी पड़ेगी क्योंकि 9th के अंदर आ गया है। एडी बहुत बेसिक कांसेप्ट है ये, खास ध्यान रखिएगा मिस्टेक ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। x2 - 3x - 10, उसको यानी कि मिडिल टर्म को हमने दो पार्ट में स्प्लिट तो कर दिया, लेकिन उसको प्रॉपरली स्प्लिट करना पड़ता है। हम स्प्लिट कर दिया लेकिन उसको क्या करेगा, हम प्रॉपरली स्प्लिट कर देते हैं कि x2 as it is, अब -3x लाना है, मेरे पास 5 और 2 है, तो सीधा आपको दिख रहा है कि भाई -5x + 2x करोगे, ये स्प्लिट हो गया ना। देखिए -3x को हमने स्प्लिट कर दिया, -5x + 2x - 10 as it is, यानी कि पहला और आखिरी टर्म देखिए कोई चेंज आया नहीं, पहला और आखिरी टर्म एज इट इज, मिडिल टर्म को हमने सिर्फ स्प्लिट कर दिया। पहले सम के अंदर ये सब कुछ बता रहा हूं आपको जो 9th में आ गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को, और जो स्टेप बताया उसको तो नोट डाउन कर दीजिएगा जिसको समझ में नहीं आया। रेडी, 5 2 10, 5 - 2 3, स्प्लिटिंग हो गया बराबर, यानी ये बीच वाला टर्म आ गया। चलिए अब हम जो चीज करते थे वही चीज क्या करना है हमें, जीरो सामने हमें बताया गया है कि वो, हाँ बताया गया है। चलिए अब क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स बनाइए, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ये सेकंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि x2, एक बार और लिखता हूं आपको ज्यादा समझ में आए, ये पहला कॉम्प्लेक्स प्लस ये दूसरा कॉम्प्लेक्स, क्लियर? हर एक बार मत लिखना, पहले समझे तो लिख रहा हूं सब कुछ। क्या कॉमन आ जाएगा पहले में से, x, अंदर क्या बचेगा x - 5 प्लस दूसरे में क्या कॉमन आएगा 2, ये कर लिया, लीनियर के अंदर ही आ गया हो थोड़ा बहुत, क्लियर? पॉलीनोमियल में भी आप लोग ये सीख गए होंगे, 2 ब्रैकेट में क्या कॉमन, x - 5, क्योंकि 2 तो कॉमन आ गया है, इज इक्वल टू 0। अब एक बात खास ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी कि ये दोनों ब्रैकेट जो है वो मस्ट बी सेम, ये दोनों ब्रैकेट क्या आने चाहिए सेम, अगर वो सेम नहीं आते हैं तो आपने ऊपर कहीं पे गलती की है या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी, बराबर। चलिए इस पूरे टर्म में से क्या कॉमन आएगा, पूरे टर्म में से x - 5, अंदर क्या रह गया x + 2 इज इक्वल टू 0। रेडी, अब तो जानते ही हो दो ब्रैकेट के इक्वल 0 है, मतलब कि पहले x - 5 इज इक्वल टू 0, सेकंड x + 2 इज इक्वल टू 0, 5 को उस तरफ भेज दिया, x की वैल्यू मिल गई 5, 2 को उस तरफ भेज दिया, x की वैल्यू मिल गई -2, यानी x की दो वैल्यू मिली, दो रूट मिले, दो जीरो मिले, क्यों? क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक था, इक्वेशन क्या था, क्वाड्रेटिक था, इसलिए हमें दो वैल्यू मिली। रेडी, फैक्टराइजेशन को खास प्रैक्टिस करना, अब थोड़ी स्पीड से जाएंगे, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बताया गया 2x² + x - 6, 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। चलिए पहले जो करना था वो कर दीजिए थे, 2 and 6 मल्टीप्लाई कर दिया, 6 2 = 12, क्या करना है 6 2 = 12, जिसका मल्टीप्लाई 12 और सबट्रैक्शन, आगे कुछ नहीं मतलब 1, सबट्रैक्शन 1 आए, जिसका मल्टीप्लाई 12 सबट्रैक्शन 1, दिमाग में तुरंत बत्ती हो जानी चाहिए, क्या 4 3 = 12, दो फैक्टर हो गए। चलिए फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, इसके फैक्टर हो जाएंगे 4x - 3x, ये तो समझ जाना है आपको, 4 और 3 में से क्या सबट्रैक्ट करे, क्या ऐड करे कि बीच वाला टर्म आ जाए, -6 = 0। नाउ टू कॉम्प्लेक्सेस, अगेन कॉमन 2x, अंदर रह जाएगा x + 2, माइनस वाला टर्म कॉमन लेते हैं, -3, अंदर हो जाएगा x + 2। चलिए दोनों सेम आ गए, पूरे में से क्या कॉमन, x + 2, अंदर क्या रह गया 2x - 3 = 0, दोनों के इक्वल 0, यानी डायरेक्ट लिख रहा हूं अब x = -2, क्योंकि उस तरफ जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं x = 3, उस तरफ गया, 2 को डिवाइड में लिया, यानी 3/2। रेडी, तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, बहुत इजी टॉपिक है, 9th को थोड़ा रिफर करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, √2x² + 7x + 5 √2 = 0, क्लियर? हमारा सबसे पहला काम मल्टीप्लाई, कुछ भी हो रूट वुड हमसे उसको मतलब नहीं है, √2 × √2, 2 × 5 10, समझ में आई बात क्या,
रूट टू इंटू रूट टू, टू इंटू फाइव टेन, फाइव टू जा टेन, जिसका मल्टीप्लाई टेन, एडिशन सेवन, अभी बोला वही फाइव टू जा टेन, क्लियर। चलिए पहला टर्म एज इट इज, सेवन एक्स के दो पार्ट, फाइव एक्स एंड टू एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो। चलो ये फर्स्ट, ये सेकंड, डन। पहले में क्या कॉमन समझना, पहले में क्या कॉमन, कुछ नहीं, तो x क्या रह जाएगा अंदर, रूट टू एक्स स्क्वायर, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अब सेकंड टर्म देखिए, मैं समझाता हूं आपको, टू एक्स प्लस फाइव रूट टू है, ये टू का मतलब क्या है, टू का मतलब, टू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ रूट टू इंटू रूट टू। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि यहाँ पे रूट टू है ना, यहाँ पे भी रूट टू है, तो पूरे में से मैं रूट टू को कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, रूट टू एक्स प्लस फाइव इसके जैसा हो जाएगा, सॉरी रूट टू एक्स प्लस फाइव इसके जैसा हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, इसको वो वाले फॉर्म में लिखा। आप डायरेक्ट करोगे क्या, टू की जगह पे हमने क्या कर लिया, प्लस रूट टू कॉमन, अगर रूट टू कॉमन आ गया तो टू में से कौन बचा, सिर्फ रूट टू, और यहाँ फाइव रूट टू में से कौन बचा, सिर्फ फाइव इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, समझ में आई बात, समझ में ना आई हो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा बैक जाके वापिस एक बार देखेगा, समझ में आ जाएगा। चलिए पूरे ब्रैकेट में से देखिए, सेम आ गया, पूरे ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ जाएगा, रूट टू एक्स प्लस फाइव फर्स्ट ब्रैकेट, एक्स प्लस रूट टू सेकेंड ब्रैकेट, क्लियर। चलिए दोनों के इक्वल जीरो, रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, फाइव उस तरफ, रूट टू एक्स इज इक्वल टू फाइव, रूट टू डिवाइड में, फाइव डिवाइड बाय रूट टू, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है अगर दिमाग में बैठ रही है तो, रूट टू उस तरफ, एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू, सिंपल है, क्लियर, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, सिर्फ हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है जो हम नाइन्थ में करके आए हैं, बराबर है। चलिए फोर्थ नंबर, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाय एट, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाय एट, पहले तो फ्रैक्शन हटा देते, फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन कभी नहीं रखने का, फ्रैक्शन रखोगे उतना आपके लिए दिक्कत जनरेट हो जाएगी ज्यादा। चलो क्या करते थे, मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेते हैं, एट टू जा एट टू जा सिक्सटीन, एक्स स्क्वायर माइनस एट इंटू एट एट एक्स प्लस वन, पूरे के डिवाइड में जो एट एलसीएम आया वो सामने मल्टीप्लाई क्या हो गया, जीरो, एक स्टेप डायरेक्ट किया, समझना, क्या एलसीएम पूरे के डिवाइड में एट आया था उसको सामने मल्टीपल कर दिया, क्या हो गया वो जीरो। चलिए हमारा स्टेप हो गया 16, 1 जा 16, जिसका मल्टीप्लाई 16 और एडिशन 8, 4 4 जा, दिख रहा है, क्लियर ना, जिसका मल्टीप्लाई 16 और एडिशन 8, 4 4 जा, यानी माइनस 8 के दो पार्ट हो गए, 60x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x, क्लियर ना, माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए पहला, दूसरा, क्या कॉमन आ जाएगा पहले में से, समझना, पहले में से क्या कॉमन, 4x क्या रह जाएगा अंदर, 4x माइनस 1, क्लियर, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन, क्यों, क्योंकि पहला टर्म हमारा प्लस है तो इसको प्लस बनाना पड़ेगा, दूसरा टर्म हमारा माइनस है तो इसको माइनस बनाना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले ले तो माइनस बन जाएगा प्लस और प्लस बन जाएगा माइनस, ब्रैकेट आ गया सेम, क्या कॉमन पूरे में से, 4x माइनस 1, अंदर क्या रह गया, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए समझना अच्छी तरीके से, 4x माइनस 1, 4x माइनस 4 के इक्वल 0, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब ध्यान रखना, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 उस तरफ, x की वैल्यू मिलेगी सीधी 1, 4 डिवाइड में, x इज इक्वल टू 1 बाय 4 एंड x इज इक्वल टू 1 बाय 4, ये तो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल निकला, देखिए 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 होल स्क्वायर, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल आ जाएगा इसका, रेडी, ध्यान रखना खास। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी सम, फिफ्थ नंबर, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, 100x स्क्वायर, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डन। चलिए हमारा तो एक ही काम है, पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई करो, 100 बन जा 100, जिसका मल्टीप्लाई 100 और एडिशन 20, ऐसे कौन से दो नंबर है,
टेन टेन जा सिंपल टेन टेन, क्योंकि 100 से दिमाग में पहले वही आता है 100 का फैक्टर, टेन टेन जा रेडी फ्रेंड, वही लाना है 100x² - 10x - 10x, क्योंकि हमें -20 लाना है, साइन अपने हिसाब से रखिए हमें जो सेट करनी है वो। चलिए दो कॉम्प्लेक्स हो गए, क्या कॉमन पहले में से 10x, क्या ले जाएगा अंदर 10x - 1, प्लस बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे 10x - 1, तो ये भी क्या निकला परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमी, अब देखिए सेम आ गया 10x - 1 कॉमन 10x - 1 अंदर बच गया, दोनों के इक्वल जीरो लेते हैं तो x की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x की वैल्यू लिखेगी 1/10, क्या मिलेगी 1/10, यहाँ पे भी क्या मिलेगी x की वैल्यू 1/10, क्लियर। मैं जो स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ आप एग्जाम में डायरेक्ट नहीं करोगे, ध्यान रखना ये स्टेप दिखाने पड़ते हैं जब एग्जाम के अंदर आता है तब, ये तो इजी है और आपको सिखाने के लिए ये चीज कर रहा हूँ इसलिए, बराबर। तो यहाँ पे हमने 5 सम खत्म कर दिए फैक्टराइजेशन के, जिससे तरीके से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि वे फैक्टराइजेशन एक्चुअल में है क्या। अब वर्ड प्रॉब्लम की ओर जाते हैं, उससे पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस चालू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए वर्ड प्रॉब्लम बताया गया है। वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले समझ लीजिएगा सेशन नंबर 1 देख लेना, वहां पे मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम कैसे करना है वो बता दिया है पहले से, क्लियर। टाइम वेस्ट वहां पे नहीं कर रहा हूं मैं, सेशन 1 एक बार देख लीजिएगा जिन्होंने जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो, क्लियर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, दो है दो बंदे हमें एक बंदी है एक बंदा दिया हुआ है, दोनों के पास 45 मार्बल्स है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल गवा दिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव 124, 5-5 मार्बल गवाने के बाद उनके पास जो मार्बल बचती है उनका प्रोडक्ट, मैंने कहा था अगले सेशन में कहा था प्रोडक्ट नाम का वर्ड ज्यादा आएगा जब क्वाड्रेटिक के सम होंगे, क्लियर, इज 124, फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, शुरुआत में कितने मार्बल थे वो ढूंढने हैं, क्लियर। चलिए एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले, तो क्वेश्चन नंबर आपको बताया गया है 2 का फर्स्ट, सपोज हमें जो एज्यूम करना है, सपोज चलो दो चीजें तो किसी एक को एज्यूम कर लेते भाई, जॉन एंड जीवंती, क्लियर ना, तो सपोज जॉन की बात करते, सपोज जॉन हैव एक्स मार्बल्स, क्लियर ना, सपोज जॉन हैव कितने मार्बल है जॉन के पास, एक्स मार्बल, क्लियर, सपोज जॉन हैव एक्स मार्बल्स, कितने हैं वो पता नहीं। अब मैंने आपको सिखाया था अगले सेशन में साइड में कर लो, दोनों के पास हमें y लेना नहीं है लेकिन y को x के फॉर्म में लेना है, बराबर, x और y साथ में ले लिए, दोनों के पास यानी कुल मिला के कितने थे, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल, कितने मार्बल है दोनों के पास 45, रेडी 45 मार्बल है, y को सब्जेक्ट बनाओ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 45 - x, यानी y तो नहीं ले सकते पर ये ले सकते हैं, यानी जीवंती हैव हाउ मेनी मार्बल 45 - x मार्बल्स, डन, क्लियर। ऐसे साइड में हमें ये चीज कर लेनी होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई एक्चुअल के अंदर हमें एजम्पशन कैसे करना है, क्लियर, ज्यादा क्लियर होगा अगर आप फर्स्ट सेशन देख लो उसमें क्लियर हो जाएगा सब। जॉन हैव x मार्बल सपोज एंड जीवंती हैव 45 - x मार्बल, एजम्पशन खत्म हो गया। नाउ सेकंड वन, Both of them lost 5 marble each. दोनों ने 5-5 marble गवा दिए, यानी कि इसने भी 5 गवा दिए और इसने भी 5 गवा दिए, यानी 45 - x थे उसमें से उसने 5 गवा दिए, और तब गवाने के बाद उन दोनों की ये जो मार्बल है वो मार्बल का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 124, कितना आ रहा है वो 124। चलिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नॉर्मली कर लेनी है बस, x माइनस 5 इसको पहले लिख देते हैं मल्टीप्लाई 45 - 5 40 - x इज इक्वल टू 124। चलिए नॉर्मल ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है कर देते हैं, x इंटू 40 x माइनस x इंटू x स्क्वायर माइनस 5 - 4 = 20 एक जीरो और 200 माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124, डन, सिंपल कैलकुलेशन है। पहला टर्म हमें प्लस रखना है इसलिए सबको उस तरफ भेज दो, x स्क्वायर उस तरफ जाएगा प्लस x स्क्वायर, समझना 5x 40y 5x और 40x 45x
उस तरफ गए क्या हो गए -45, 124 था -200 उस तरफ गया क्या हो गया प्लस, यानी +324 इज इक्वल टू 0, नॉर्मल सा टर्म। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, उसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। अब भी सिखाए, अगले सेशन में सिखाए क्या, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो बड़ा नंबर आया, अब आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, आप क्या करोगे फैक्टराइज करोगे, क्लियर। चलिए 324 को फैक्टराइज कर दो, कि 1 है ना आगे, तो 1 जा तो वही रहता है, 324 फैक्टराइज कर दिया, चलिए 2 16 2 1 3 27 3 9 3 3 1 क्लियर ना। 2 से करेंगे पहले, फिर 81, 3 से करेंगे 27, 3 जा 9, 3 जा 3, 3 जा 1, 3 जा डन, क्लियर। चलिए फैक्टराइज कर दिया, अब इस नंबर को मल्टीप्लाई, सॉरी इनमें से हमें कोई भी दो नंबर की पेयर बनानी है जिसका मल्टीप्लाई ये आए और टोटल आए 45, तो प्ले पेयर बनाने की ट्राई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 और 12 39 नहीं आया, कोई दूसरी पेयर बनाई, ये नहीं पॉसिबल हुआ, चलिए कोई दूसरी पेयर बनाते, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, फिर भी पॉसिबल हुआ नहीं, चलिए कोई दूसरी पेयर बनाते। ऐसा चेकआउट करना होता है, जब जब आपको बड़े नंबर दिए होते हैं तब तब हम उसको इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं और फिर वो डायरेक्टली हो जाता है, क्लियर। चलिए चलिए एक और पेयर बना के देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे बनता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा समझना 36, 3 3 जा 9, देखिए हो गया 36 एंड 9 आ गया, 36 और 9 का टोटल 45। तो ऐसे कई बार ऐसा होगा कि आप दो तीन बार ट्राई करोगे उसके बाद आंसर आएगा, तो घबराने का नहीं, धीरे धीरे आंसर आ ही जाएगा, धीरे धीरे आपको स्पीड भी आ जाएगी, क्लियर। ध्यान रखना खास फैक्टराइजेशन कैसे होता है वो भी एक बार बता दिया मैंने आपको, पैर भी कैसे बनाते हैं। चलिए हमारी पैर निकल आपको दिखाना नहीं होता, ये साइड में रख देना ये। चलिए आपको फैक्टराइज करना था, आपने फैक्टराइज कर दिए और आपके दो टर्म फैक्टराइजेशन के अंदर आए 36 एंड 9, कौन से दो आए 36 एंड 9। चलिए x स्क्वायर माइनस 45 के दो पार्ट, 36x माइनस 9x क्योंकि हमें दो लाने हैं 45 के, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। चलिए कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सेकंड कॉम्प्लेक्स, पहले में से क्या कॉमन आएगा x, क्या बचेगा अंदर x माइनस 6, दूसरे में से क्या कॉमन आएगा, समझना दो ही फैक्टर किए और ज्यादा कुछ नहीं किया, क्या कॉमन दूसरे में से 9 अंदर, देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, सिर्फ दो टर्म को हमने स्प्लिट किया, हमारे पास दो टर्म आ गए, दोनों टर्म को हमने लिख दिया बराबर। चलिए पहले में से 36 और 9 दो जो पार्टीशन किए उसमें से पहले में से x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 9 क्या बच गया अंदर, x माइनस 9 कॉमन ले लिया तो माइनस, यहाँ पे 36 है सॉरी, यहाँ पे क्या रह जाएगा, देखिए 9 कॉमन आ गया मतलब 324 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर 36 आ ही जाएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार, रेडी आंसर 36 आ ही जाएगा, ब्रैकेट एक बार चेक कर लीजिएगा, दोनों ब्रैकेट सेम, क्या कॉमन अंदर से x माइनस 36, अंदर क्या रह गया x माइनस 9, दोनों के साथ इक्वलाइज कर दो, x की वैल्यू 36 या तो x की वैल्यू 9। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर खत्म नहीं हुआ, मैंने आपको लीनियर के अंदर भी सिखाया था आंसर जो है उसको आखिर में लिखना पड़ेगा, जॉन हैव हाउ मेनी मार्बल x, तो अगर हम ये आंसर रखते हैं तो हमारा जो जॉन भाई है वो जॉन के पास कितनी 36 मार्बल रहेगी और जीवन दी बहन जो है हमारी पास उसके पास 45 माइनस एक्स यानी 45 माइनस 36 कितनी मार्बल रहेगी 9। अगर हम ये आंसर लेते हैं तो जॉन भाई के पास कितना रहेगा x यानी कि 9 और जीवंती बहन के पास कितना रहेगा 45 माइनस 9 यानी कि 36, क्लियर। तो ये दोनों आंसर आपको दिखाने पड़ेंगे, क्लियर, कि सपोज इफ x इज इक्वल टू 36 देन जॉन हैव 36 मार्बल एंड जीवंती हैव 9 मार्बल, एंड इफ x इज इक्वल टू 9 देन जॉन हैव 9 मार्बल एंड जीवंती हैव 36 मार्बल, क्लियर, ध्यान रखिएगा खास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2,
उसी के अंदर है, पार्टीशन ही है, दूसरे का पार्टीशन ही है अलग से। अ कॉटेज इंडस्ट्री, सबको समझिएगा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब व्हाट, जो वो खिलौने बनाती है मिट्टी के, क्लियर, जो क्ले से बनते हैं ना, वो कॉटेज इंडस्ट्री टॉयज बना रही है अलग अलग। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच डे, हर एक दिन के प्रोडक्शन, हर एक दिन का जो प्रोडक्शन निकलता है वो, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। वो जो प्रोडक्शन पूरे दिन का है वो 55 माइनस करते हैं किसमें से, उस दिन पे कितने टॉयज बने उसमें से, तो हमें वो प्रोडक्शन मिल जाता। समझ में आई बात क्या, आज के दिन का प्रोडक्शन जो भी है वो किसके इक्वल आ रहा है, तो के 55 माइनस जो टोटल टॉयज बने हैं पर डे, एक दिन में वो कितने टॉयज बने वो, बराबर। नाउ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीस, प्रोडक्शन कितना दिया गया है एक दिन का, 750 रुपीस। एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, नंबर ऑफ टॉयज आपको अज्यूम करने हैं वो दिन पे, नंबर ऑफ टॉयज कितने थे, तो वही अज्यूम कर लेते हैं। सपोज नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे टोटल, सपोज टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे, एक दिन में कितने, सपोज एक्स जितने टॉयज बन रहे हैं। अब क्वेश्चन में देखो, मैंने कहा था स्टेटमेंट के ऊपर से आपको दूसरा एजम्पशन करना है। क्या बताया गया है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, नाउ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। यानी कि जो प्रोडक्शन, कॉस्ट प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे यानी एक दिन में जो प्रोडक्शन हुआ उसकी कॉस्ट वो क्या है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे इज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, द नंबर ऑफ टॉयज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे इज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे। एक दिन में जितने खिलौने बने वो खिलौनों को 55 में से निकाल दो तो जो आंसर आता है वो हमारे पूरे दिन का कॉस्ट है, प्रोडक्शन का पूरे दिन का कॉस्ट हमारा है, ऐसा क्वेश्चन में बता रहा है और उसी फॉर्म में हमने लिखा है, सिंपल। चलिए, नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच डे वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ डेज प्रोड्यूस्ड दैट डे। नाउ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब मुझे बताइए टोटल प्रोडक्शन जो एक दिन का होता है वो क्या होगा। आपके क्लास में 10 स्टूडेंट है और 10 बेंचेस है, 10 स्टूडेंट है समझना और 10 बेंचेस है, हर एक बेंच के ऊपर मैं एक एक बिठाता हूं तो आप तुरंत गिन लेते हो, लेकिन कंडीशन चेंज करता हूं समझना। अब आपके पास बेंचेस 10 की जगह पे 30 बेंचेस है, स्टूडेंट भी आपके पास ज्यादा है, तो वो नंबर ऑफ बेंचेस के हिसाब से जब आप बंच बनाते हो या नंबर ऑफ रो के हिसाब से जब आप बंच बनाते हो तो टोटल आपको जो मिलता है वो क्या होता है, भाई आपने कितनी एक रो, एक बेंच जो है आपके पास, एक रो है बेंच की, उस एक रो में कितने बिठाए हैं और ऐसे कितनी रो आपके पास, जैसे कि एक रो के अंदर 10 स्टूडेंट बैठे हैं और आपके पास 3 रो है तो 10 त्रिजा 30 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे वही करना है, प्रोडक्शन पर डे क्या है, प्रोडक्शन पर डे भाई एक दिन का प्रोडक्शन मतलब कितना, तो कि जितने खिलौने बने होंगे वो इनटू पूरे दिन का जो प्रोडक्शन है वो, क्लियर। यानी खिलौने कितने बने हैं पर डे के, एक्स जितने खिलौने बने हैं और उस दिन का प्रोडक्शन कितना है 55 माइनस एक्स, समझना। ये और ये उन दोनों की प्रोडक्ट हमें मिलेगी क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना, कितने खिलौने बने, एक खिलौने के 10 रुपए, दो खिलौने के 20 रुपए, इतने खिलौने एक्स खिलौने, एक्स जितने खिलौने बने हैं और उस दिन का प्रोडक्शन भी रेट कितना है, प्रोडक्शन कितना है 55 माइनस एक्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, और वो हमें बताया गया है 750 रुपीस, कितना बताया गया है 750 रुपीस, समझना 750 रुपीस। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, दोनों को उस तरफ भेज दीजिए, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, रेडी। चलिए
अब जिसका मल्टीप्लाई 75, क्या जिसका मल्टीप्लाई क्या आए 750 और टोटल आए 55, इसका क्या कर दो, फैक्टर निकाल दो। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो होनहार बच्चे उनको पता नहीं जाएगा कि भाई 75 और 0 वो दोनों मल्टीप्लिकेटिव टर्म है कि भाई 75 × 10 तब हमको 750 मिलता है। तो 55 का आंसर लाने के लिए आप 75 के कोई ऐसे टर्म ढूंढिए जो आपको मल्टीप्लाई 750 दे देगा और टोटल जो है वो 55 दे देगा। फॉर एन एग्जांपल हम करते हैं कि भाई 45 और 10 तो आंसर 450 निकल जाता है, 45 टेंस है, लेकिन 45 और 10 का टोटल 55 आता है लेकिन मल्टीप्लाई आता है नहीं। तो आपको वैसे ट्राई करनी है। क्लियर। जैसे कि 50 और 5 तो 5 5 25 तो 250 आता है, बराबर। ऐसे पहले ट्राई करनी है और आपको सीखना है, समझना है कि भाई आया कैसे और बनता किस तरीके से, बराबर। ध्यान रखना खास, वरना डायरेक्ट हो जाता है कि भाई जैसे मैं करता हूं 15 5 75 होता है 15 5, लेकिन 15 5 15 और 5 50 और यहाँ पे इस तरफ एक जीरो लगाओ तो वहां पे 50 हो जाएगा, इधर 15 तो 65 हो जाएगा। हमें तो आंसर कितना लाना है, 55 लाना है। ध्यान रखना खास, मिस्टेक ना हो, बराबर। और अगर ऐसा लगे कि मेरा आंसर इससे नहीं आ रहा है, फैक्टर निकाल दो, हमारे पास सीधी और सिंपल मेथड तो है ही। चलिए फैक्टर निकाल देते हैं, पहले 5 से 5 बन जा, डायरेक्ट करता हूं 15 5 जा 5 3 जा 3 10 जा 2 5 जा 5 बन जा, ये चलता है। आप ऐसे कोई भी अपने हिसाब से कर सकते हो, फैक्टर तो वही निकलने वाले। चलिए पैर बना ले, 5 5 जा 25 5 3 जा 15 15 2 जा 30। देखिए पहले ही बन गया, 5 5 जा 25 5 3 जा 15 2 जा 30 30 और 25 हो गया सिंपल। तो इससे तो आंसर आ ही जाएगा आखिर में, पहले आपको सिर्फ सोचना है कि डायरेक्ट आपसे निकल रहा है या नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट निकलने लगेंगे। सो आंसर हमारा निकल के आ गया 30 और 25। देखिए मैंने आपको पहले जो चीज सिखाई ना वो यही थी, 25 3 जा 75 एक जीरो लगाओ टोटल भी आ जाएगा 55, बराबर। लेकिन वो चीज आपके अंदर धीरे धीरे आएगी, इसलिए मैंने आपको वो आंसर बताया ही नहीं था पहले। x² -55 के दो पार्टीशन, -30x -25x + 750 = 0। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड, क्या कॉमन पहले में से x, अंदर क्या रह जाएगा x - 30 - 25 कॉमन, अंदर x - 30। क्लियर, पूरे ब्रैकेट में से x - 30 कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा x - 25, दोनों के इक्वल 0, यानी x की वैल्यू 30 या तो x की वैल्यू 25। सम खत्म नहीं हुआ, प्रोड्यूस हमें क्या एज्यूम क्या करना था, सॉरी ढूंढना क्या था, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अगर ये आंसर लेते हैं तो नंबर ऑफ टॉयज बने होंगे 30, ये आंसर लेते हैं तो नंबर ऑफ टॉयज बने होंगे 25। तो आखिर में आपको लिखना है क्या, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे 30 एंड नंबर ऑफ, इफ x इज इक्वल 25 देन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज 25। डन। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, तीसरा क्वेश्चन हमको बताया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 से चेंज हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सम इज 27 देन सपोज फर्स्ट नंबर, सपोज दो नंबर है और वो दोनों का टोटल और दोनों की प्रोडक्ट दी हुई है, तो सपोज फर्स्ट नंबर हमारा क्या है x, एक x होता एक y होता और दोनों का टोटल कितना होता, बताया गया है द नंबर ऑफ सम इज 27, सम कितना 27, y कितना हो जाता y = 27 - x। क्लियर ना, y = 27 - x, लेकिन y नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं। देन सेकंड नंबर अपने आप मिल गया, देखिए सेकंड नंबर कितना आ गया हमारे पास 27 - x, सिंपल आ गया। स्टेटमेंट ही आपको एज्यूम करवाएगा और स्टेटमेंट ही आपको आंसर देगा, क्लियर, इक्वेशन बनाएगा, आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है बस। सो सेकंड स्टेटमेंट एंड द प्रोडक्ट इज 182, दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 182, x into 27 - x = 182 प्रोडक्ट दोनों की,
27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, दोनों को उस तरफ भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ये आप पे छोड़ रहा हूं क्योंकि फैक्टर है नॉर्मल, इसका मल्टीप्लाई आना चाहिए 182, टोटल आना चाहिए 27, क्लियर? टेबल आ दोगे टेबल तो बदल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आना चाहिए 182 और टोटल आना चाहिए 27, ये जो है वो आपको खुद से ट्राई करनी है, क्लियर? ये होमवर्क लिख रहा हूं, खुद से ट्राई करनी है, ध्यान रखिएगा खास। एंड बी ऑनेस्ट, अगर आप इसको वीडियो के साथ नोट डाउन कर रहे हो तो इसका आंसर अभी लाइए और अभी के अभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए, अभी के अभी लिखिए, क्लियर? बी ऑनेस्ट, पूरा वीडियो देखने के बाद मत करना वरना तो आपको समझ में आ ही जाएगा, क्या अभी के अभी इसका आंसर सॉल्व आउट कीजिए, लिखिए और फिर आगे के सम को ट्राई कीजिए, क्लियर? चलिए उसके बाद फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है आपको बता दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फोर दैट द फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, अगले सेशन में आ गया, किसे कहते हैं, 1, 2, 3, 4, एक के बाद एक आने वाले नंबर, प्लस वन करोगे तो जो नंबर मिले वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, क्लियर? उसमें तो एक ही प्रकार का एजम्पशन होता है, सपोज फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या है, x, देन सेकंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन सा होगा, x प्लस वन, जैसे वन के बाद 2, 2 प्लस 1, 3, 3 प्लस 1, 4, x प्लस वन नेक्स्ट टर्म, क्लियर? नाउ सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, समझना चेंज है क्वेश्चन में, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, इनका सम नहीं है, इनके स्क्वायर का सम है, क्या है, इनके स्क्वायर, x स्क्वायर और x प्लस वन का स्क्वायर, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज इक्वल टू, बता दिया गया है कितना है, 365, कितना है, 365, चलिए परफेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, इस तरफ ले लीजिए इसको, माइनस हो जाएगा 364, 2 कॉमन निकल रहा है, देखिए मैंने बताया था जितना कॉमन निकालोगे जितना ब्रैकेट बनाओगे उतना सम इजी बनेगा और आप आसानी से सॉल्व भी कर पाओगे, चलिए 2 कॉमन क्या रहेंगे अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, 2 को डिवाइड में ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, चलिए ये भी आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्यों छोड़ रहा हूं, इसका और इसका एक ही फैक्टर होता है, क्यों, देखिए यहाँ पे जो दो टर्म आएंगे ना 182 के स्प्लिट, ये 27 का स्प्लिटिंग जो आएगा दो नंबर, वही दो नंबर यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, क्यों, यहाँ पे वो दो नंबर का टोटल होगा, यहाँ पे वो दो नंबर का सबट्रैक्शन होगा, क्लियर, ध्यान रखना खास ये चीज, दोनों में एक ही स्प्लिटिंग है, दोनों में एक ही प्रकार का स्प्लिटिंग होगा, यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है उसमें थोड़ा सा ही चेंज रहेगा, ध्यान रखना खास, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं, द एल्टीट्यूड इसमें नहीं हो पाएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, सब डिवाइड क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 बताया गया है, कितना है, कौन सा है, सॉरी, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, एक राइट एंगल है, मैं ड्रॉ करता हूं आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, एक राइट एंगल है मेरे पास, उस राइट एंगल का ये बेस कहा जाता है, क्लियर ना, मैं नाम देता हूं लाइक एबीसी, ये उसका बेस है, वो बेस जो है वो बेस इज 7, सॉरी वो जो अल्टीट्यूड जो है ये एबी जो है, एबी अल्टीट्यूड एबी जो है वो उस बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर क्या है कम लेस, इफ हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनस, रेडी, फाइंड अदर टू साइड्स, बहुत इजी है बहुत सिंपल है, एज्यूम करना है सिर्फ बस आपको, रेडी, सपोज हम चाहे आप एल्टीट्यूड को एज्यूम करो चाहे आप बेस को एज्यूम करो कोई भी कर सकते हो, सपोज मैं बेस को अल्टीट्यूड को करते हैं, चलिए क्योंकि वो डेटा आपको दिया हुआ है, सपोज अल्टीट्यूड या हाइट वो कितनी दी हुई है, अपोज अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल सपोज कितना है एक्स, कितना है एक्स, क्वेश्चन के हिसाब से अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ये एक्स है जो आपका अल्टीट्यूड है,
बेस सपोज आपका वाई है, समझना क्या है बेस सपोज, क्या है आपका वाई है। अल्टीट्यूड और बेस के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन समझिए, अल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, अल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, यानी कि ये तो 7 कम है ही, हमें सामने की ओर करना पड़ेगा, अल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी लेस, बेस को हमें 7 कम करना पड़ेगा, इक्वेशन की साइन लगानी होगी तो इक्वल टू की साइन, इसको इस तरफ लीजिए x + 7 = y तो नहीं ले सकते, इसको ले लेंगे, यानी सपोज अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज x देन बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज व्हाट x + 7, सिंपल रेडी, ऐसे अजम्पशन करना होता है बहुत इजी है, साइड में ले जाके रेडी साइड में सम को ले जाओ, गिनो एज्यूम कर लो, पता भी नहीं चलता कैसे आया, कोई भी सम हो क्वाड्रेटिक का आप इस तरीके से करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए सेकंड स्टेटमेंट उसका हाइपोटेन्यूज 13 बताया गया है रेडी, और आपको दूसरी की जो ये जो साइड है वो साइड ढूंढनी है, तो यहाँ पे आपको एक बात खुद से दिमाग लगानी है क्या कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा देते हैं, सीधी बात, जैसे कि ये एक्स हमारा ये था, ये हमारा एक्स प्लस 7 है तो पाइथागोरस लगा देते तो अपने आप मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन से इन द ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल बताया हुआ है आप इसको मेंशन कीजिएगा ऊपर, ab² + bc² = ac², ये तो 9th में भी आ गया, यूज भी आ गया उसका और 10th में तो बहुत डीप में है, रेडी ab स्क्वायर, ab कितना है x का स्क्वायर x² bc² x + 7 का होल स्क्वायर ac² 13 का होल स्क्वायर, डन, सिर्फ कैलकुलेशन करना है कर देते हैं, x² प्लस परफेक्ट स्क्वायर टाइम हो गया, x² प्लस 7 टू जा 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169, चलिए x² एंड x² 2x² प्लस 14x, अब इसको इस तरफ लेते हैं थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्लियर ना, यानी वो जो हमारे पास 49 था वो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -169 हो जाएगा, सिंपल, ये प्लस टर्म को हमने क्या लिया सिर्फ माइनस कर दिया, यानी 2x² प्लस 14x, साइन आएगी माइनस की, 990 962 120 क्लियर इज इक्वल टू 0, दो है कॉमन आ सकता है ना, दो मैक्सिमम नंबर कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन अंदर बच गया x² 7x 60, 2 को सामने डिवाइड में ले लीजिए क्योंकि वो तो हमें कुछ काम का है नहीं, तो 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, चलिए जिसका मल्टीप्लाई 60 और सबट्रैक्शन 7 सब लोग जानते हैं क्या, 12 5 जा, क्लियर ना, 12 5 जा 60, 12 माइनस 5 7 रेडी, यानी दो फैक्टर हो गए इसके, मैं डायरेक्ट फैक्टर कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, डायरेक्ट ना करना हो तो आप जो हमारी मेथड है वो मेथड को फॉलो कीजिए कि भाई x² 7 के दो पार्टीशन हो गए प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, दो कॉम्प्लेक्स बन गए, पहले कॉम्प्लेक्स में से x जो है वो कॉमन आ गया, अंदर क्या, पहले कॉम्प्लेक्स में से x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 12, सेकंड कॉम्प्लेक्स में से माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, नाउ कॉमन पूरे में से x प्लस 12 अंदर क्या रह गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी x उस तरफ भेजोगे आंसर आएगा माइनस 12, माइनस तो कभी cos तो हो ही नहीं, सॉरी एंगल की साइड हो ही नहीं सकती ना, सॉरी ट्राइंगल की साइड कभी नेगेटिव तो आ ही सकती, मतलब ये तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है, और x इज इक्वल टू 5 मतलब हमारा ये आंसर पॉसिबल है, रेडी, तो जो अदर टू साइड ढूंढनी है वो आपको ढूंढ के बतानी है आखिर में, भाई AB is equal to 5 and BC is equal to 5 plus 7 means 12, ready? और ये एक प्रकार का ट्रिपलेट भी है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट है ना ये, तो हमारा सम जो उसका हमें सॉल्यूशन भी मिल गया आखिर में कि हमारा राइट है या अगर रॉन्ग है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए कि भाई A cottage industry produces a certain number of pottery article. देखिए अभी किया वही सम आ गया, इजी है तो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, एक सम कर दिया है।
It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. Assume, suppose, अभी किया, वही, same, कोई change नहीं, suppose, total number of article, poultry article is X, total number of poultry article कितने हैं, X, and cost of production of that day, cost of production of that day means per day कितना है कि भाई वो आपको बताया गया है कि the three more than twice the number of article जो है उससे तीन ज्यादा और उसका दो गुना क्या जो जितने article है वो आर्टिकल से थ्री मोर देन एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ द कोस्ट नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल वो जो आर्टिकल है वो आर्टिकल से तीन ज्यादा उसके दो गुना जितना है कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्लियर अब तो सिंपल हो गया ये जो है नंबर ऑफ ट्वाइस ये है नंबर ऑफ सॉरी टोटल कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों का प्रोडक्ट हमें वो पूरे दिन का क्या मिल जाएगा प्रोडक्शन दे देगा वो कितना बताया गया है So, if the total cost of production on that day was 90 rupees, दोनों का मिला कितना हो रहा है 90 rupees, यानी कि product आ जाएगी कितनी? X into 2X plus 3 is equal to कितना? 90. Done? चलिए, multiply करते हैं दोनों के साथ, clear? क्योंकि बीच में plus की sign है. 2X square plus 6 is equal to 90. 90 को इस तरफ ले लीजिए. 2x square plus x into 3, 3x आएगा plus 3x इस तरफ आएगा minus 90 हो जाएगा clear चलिए बहुत easy है यहाँ पे भी वो दिमाग लगाना है आपको जो मैंने अभी एक sum के अंदर भी बताया था 9 to 80 यानी इसका multiply 180 हो और subtraction 3 हो ऐसे हमें दो number लाने हैं क्या इसका multiply क्या हो 180 समझना इसका मल्टीप्लाई क्या हो 180 और सब्ट्रैक्शन क्या हो 3 ऐसे हमें दो नंबर लाने हैं अब हमारे पास वो फैक्टर वाली मेथड तो है ही लेकिन आप खुद से दिमाग लगाइए कि भाई अगर मुझे 180 लाना है अगर मुझे 180 मल्टी सॉरी प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना है तो मुझे 180 के फैक्टराइज दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे कोई भी दो फैक्टर निकालिए उसमें 180 में से 18 के फैक्टर निकालिए लाइक हम निकालते हैं जैसे कि 60 and 30 निकालते हैं 6 और 3 6 3 जा 18 तो एक तरफ मैं 6 की तरफ रखूंगा यहां पे मुझे आंसर 3 लेना है 6 3 जा 18 भी हो सकता है वहां पे भी 0 लग सकता है 9 2 जा 18 भी हो सकता है वहां पे भी 0 लग सकता है क्लियर 9 और 20 में रखता हूं तो वहां पे भी आ सकता है इन शॉर्ट आपको इसको फैक्टराइज करना और फैक्टराइज करके इसका आंसर लेके आना है बराबर किसी भी तरीके से आप कर सकते हो चलिए 2, 90, 2, 45, 5, 9, 3, 3, 3, 1, ready? चलिए पैर बनाइए subtraction है, subtraction 5 आना चाहिए, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 15 and 12, आ गया, सिंपल, 15 and 12, multiply आ जाएगा 180, और subtraction आ जाएगा 3, चलो मैं mention कर देता हूँ, 2x square, 3 लाना है 15x minus 12x minus 90 चलिए common क्या आ जाएगा x अंदर क्या रह जाएगा 2x plus 15 क्या common आ जाएगा minus 6 ready ना अंदर क्या हो जाएगा 2x 6 common ले लिया 6 common ले लिया 15 6 जा 90 यानी 2x plus 15 पूरे में से क्या common is equal to 0 पूरे में से क्या common 2x plus 15 अंदर रह गया x minus 6 ready इसके equal 0 या तो इसके equal 0 x is equal to minus 15 by 2 which never possible क्यों total number of toys थोड़ी minus में होंगे sorry total number of article pottery article minus में होंगे कभी possible ही नहीं और answer आया x is equal to 6 यानी कि 6 pottery article होंगे 6 पोल्ट्री आर्टिकल होंगे और उस दिन का प्रोडक्शन क्या होगा देखिए x की वैल्यू तो 6 आ गई लेकिन उस दिन का प्रोडक्शन क्या निकला आप आखिर में यहां पे कैलकुलेशन कीजिएगा 2x plus 6 यानी 2 6 सॉरी 3
12+3 यानी उस दिन का जो प्रोडक्शन रेट होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस एक टॉय का वो कितना है 15। जैसे कितने टॉयज बिक गए हमारे पास 6 यानी 15 6 जा 90 बताया हुआ ही था ना कि टोटल कॉस्ट 90 है। तो इससे आप आंसर चेक भी कर सकते हो और वेरीफाई भी कर सकते हो कि हमारा आंसर राइट आ रहा है बराबर। तो यहाँ पे हमने 4.2 एक्सरसाइज को खत्म कर दिया है और उसके अंदर हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ ली। अब जो दो एक्सरसाइज है वो दोनों एक्सरसाइज को खास देखिएगा क्योंकि वो अब आपके लिए नहीं है। उसके अंदर हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड पढ़नी है और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़नी है। क्लियर, ध्यान रखिएगा खास। और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जिसको ये इस वीडियो की जरूरत है, जिनको कैलकुलेटिवली टर्म समझ में नहीं आते हैं। क्लियर, सारी एनसीईआरटी के अंदर जो भी एक्सरसाइज दी हुई है वो सारी एक्सरसाइज को मैंने डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, हर एक सम को मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। क्लियर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो अपने आप आ जाए और आप लेटेस्ट वीडियो जो है वो देख पाए। ठीक है, मिलते हैं लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक्स अ लॉट।